Hi guys, welcome back to my channel Glam Up with Tanya. I hope you all are doing good. So guys, today I am up with Sarojini Market video and this is part 1 of this video. और इसमें मैं आपके साथ पूरा नवंबर कलेक्शन शेयर करूंगी सरोजनी नगर मार्केट का. सो गाइज, अगर आप देखना चाहते हो कि इस बार मार्केट में क्या क्या है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना. और अगर आपको ये वीडियो पसंद है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. एंड गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर द इंट्रो. नाउ लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो गाइज, मैंने एंटर किया था सरोजनी नगर मार्केट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से. और जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको ये स्टॉल दिखेगा जहाँ पे आपको इयररिंग्स का और नेक पीसेस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा. इनके पास आपको डेली यूज़ के लिए भी इयररिंग्स मिल जाएंगे जैसे कि ऑक्सीडाइज स्टड्स वगैरह. और यहाँ पर आपको एथनिक स्टाइल में भी इयररिंग्स देखने को मिलेंगे. इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी गाइज वो थी 30 to 50 रुपीज़ जो कि इनकी ऑक्सीडाइज स्टड्स की थी. और एथनिक स्टाइल में जो इयररिंग्स की रेंज है गाइज वो आपको 100, 150 या फिर 200 रुपीज़ में मिल जाएगी. गाइज इसी के साथ में आपको ये सनग्लासेस का भी स्टॉल दिखेगा. और यहाँ पे आपको इसके साथ में फ़ोन के कवर्स का भी स्टॉल मिलेगा गाइज. इनके पास फ़ोन कवर्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था. इनकी स्टार्टिंग रेंज थी गाइज 100 रुपीज़. और गाइज, इसके अपोजिट में ही आपको ये स्टॉल मिल जाएगा. और इनके पास थोड़ा सा विंटर कलेक्शन था. यहाँ पे आपको हुडीज, जैकेट, स्वेट शर्ट्स, वूलन टॉप्स वगैरह मिल जाएंगी. और यहाँ पर सेल थी गाइज 150 रुपीज़ की. एंड इन 150 रुपीज़ इनका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. आप इन टॉप्स को या फिर इन स्वेट शर्ट्स को ईजीली डेली यूज़ में वेयर कर सकते हैं. इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. और इसके साथ में आपको ये स्टॉल दिखेगा गाइज जहाँ पे आपको लोअर्स वगैरह मिल जाएंगी. और दूसरी साइड आपको ये स्टॉल मिलेगा. इनके पास आपको कुर्तीज़ वगैरह का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा. और इन कुर्तीज़ का प्राइस था 150 रुपीज़. गाइज इस बार ही आपको मार्केट में इतना समर कलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, पर कुछ कुछ शॉप्स में मिलेगा जहाँ पर आपको उनकी वेराइटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी. गाइज ये जो कुर्तीज़ हैं ये आप ईजिली डेली यूज़ में वेयर कर सकती हैं. एंड इन 150 रुपीज़ इनका भी मटेरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था. एंड आप इन कुर्तीज़ को ईजिली डेली यूज़ में भी वियर कर सकते हैं. अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या फिर ऑफिस गोइंग हैं तो ये कुर्तीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी. क्योंकि गाइज ये जो सारी कुर्तीज़ थी इनका मटेरियल मोस्टली कॉटन ही था जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. थोड़ी सी आगे चलते ही गाइज आपको ये स्टॉल दिखेगा जहाँ पर आपको स्वेटर्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा. और इनकी रेंज थी 350 रुपीज़ और 650 रुपीज़. और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी गाइज. और फिर हम आते हैं इंसेंस वाली लेन में जहाँ घुसते ही आपको अच्छा खासा किड्स वेयर का कलेक्शन देखने को मिलेगा. और साथ में ही आपको ये स्टॉल दिखेगा जहाँ पे आपको लोअर्स का कलेक्शन मिलेगा इन जस्ट 200 रुपीज़. नेक्स्ट टू दिस आपको ये शॉप मिलेगी गाइज जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा जैकेट्स का, कोट्स का और वूलन टॉप्स का. इन सभी का प्राइस गाइज अलग अलग था, पर जो इनके स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 200 रुपीज़. पर सरोजनी नगर में आप इजीली बार्गेन कर सकते हैं गाइज. इनका कलेक्शन और इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. और गाइज इसे नेक्स्ट शॉप में आपको ड्रेसेस का और डेनिम जैकेट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा. और यहाँ आपको हुडीज़ और स्वेटशर्ट्स भी मिल जाएंगी. एंड इनकी जो स्टार्टिंग रेंज है वो है 150 रुपीज़. और गाइज इन सभी का प्राइस रेंज अलग अलग थी और सभी का प्राइस बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इनके स्टार्टिंग रेंज ही बता रही हूँ. एंड गाइज यहाँ पे आपको साइजेस और कलर्स के भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे. और गाइज बिल्कुल इसके अपोजिट वाली शॉप में आपको ड्रेसेस का, वुलन टॉप्स का और मैक्सी ड्रेसेस का और नाइट सूट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा. और इस शॉप के बाहर आपको स्टॉल्स में जॉगर्स, डेनिम जैकेट्स और जीन्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा. इनके पास आपको बेल बॉटम्स भी मिल जाएंगे. अगेन इन सभी का प्राइस अलग अलग था, बट इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 200 रुपीज़. अगेन गाइज आप यहाँ पे इजीली बार्गेन कर सकते हैं. इससे नेक्स्ट शॉप में गाइज आपको यहाँ शूज़ का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा जिनका प्राइस था 350 रुपीज़. और इसी शॉप के बाहर आपको ये इयररिंग्स का भी स्टॉल मिलेगा. और इनके पास आपको काफ़ी ट्रेंडी चोकर सेट्स भी मिल जाएंगे. और इनके पास इयररिंग्स का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था. और स्टार्टिंग रेंज थी इनकी 50 रुपीज़. एंड गाइज इनके पास आपको मांग टीका और इयररिंग का भी सेट मिल जाएगा जिनका प्राइस था 150 रुपीज़. एंड गाइज ये जो एथनिक स्टाइल की इयररिंग्स हैं इनका प्राइस थोड़ा सा अलग था. इनकी प्राइस रेंज थी 100, 150 या फिर 200 रुपीज़. सो इससे नेक्स्ट वाले स्टॉल में गाइज आपको लॉन्ग स्कर्ट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा. इनके पास आपको प्रिंटेड स्कर्ट्स भी मिल जाएंगी और प्लेन सॉलिड कलर में भी स्कर्ट्स मिल जाएंगी. इनका जो प्राइस था वो था 200 रुपीज़. और 200 रुपीज़ में इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी. इनका जो मटेरियल था वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल था गाइज. और इसी शॉप में आपको यहाँ पर विंटर का भी कलेक्शन मिल जाएगा. यहाँ
आपको वूलन टॉप्स भी मिल जाएंगी और जैकेट्स भी मिल जाएंगी। इन सभी का प्राइस अलग अलग था, पर जो इनकी स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 100 रुपीज़। एंड गाइज बिल्कुल इसके अपोजिट में ही आपको एक शॉप मिलेगी इंडिया क्रिएशन, और उस शॉप के बाहर आपको ये स्टॉल मिलेगा जहाँ पे आपको 80 रुपीज़ की सेल मिलेगी और वहाँ आपको ये वूलन टॉप्स मिलेंगे। गाइज इनके पास वूलन टॉप्स का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इनकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इन 80 रुपीज़ इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और ये टॉप्स आप इजीली डेली यूज़ में या फिर कॉलेज वेयर में पहन सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में गाइज आपको ये स्टॉल मिलेगा जहाँ पे आपको इयररिंग्स का और नेक पीसेस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। गाइज इनकी जो रेंज थी वो थी 100 रुपीज़, जो कि मुझे लगती है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, बट यहाँ पे आप इजीली बार्गेन कर सकते हैं। इनके पास आपको नेक पीसेस का भी काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आजकल मिरर सेट्स चल रहे हैं वैसा कलेक्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे थोड़ी आगे चलेंगे गाइस तो यहाँ पे हमें एक शोरूम के बाहर ये स्टॉल मिलेगा जहाँ पे आपको जूतीज़ का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। इनका जो रेंज थी वो थी 250 रुपीज़, जो कि आई थिंक इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि इन जूतीज़ को देख के लग नहीं रहा कि ये सिर्फ 250 रुपीज़ की हैं। और गाइस इस फेस्टिव सीजन में तो ये मस्ट हैव हैं, सबके पास ये जूतीज़ होनी चाहिए। एंड गाइस मुझे पर्सनली इनका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इनके पास कलर रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से काफ़ी अलग अलग टाइप की जूतीज़ ले सकते हैं। एंड गाइज बिल्कुल इसके अपोजिट स्टॉल में आपको यहाँ पे कंबल पजामा का कलेक्शन मिल जाएगा इन जस्ट 150 रुपीज़। गाइज आजकल कंबल पजामा में काफ़ी अलग अलग क्वालिटी आने लग गई है, और 150 रुपीज़ में कहीं कहीं हमें काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी मिल जाती है, पर यहाँ पे इस स्टॉल में मुझे कंबल पजामे की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और इसके अंदर शॉप में गाइज यहाँ पे आपको विंटर कलेक्शन भी मिल जाएगा इनके पास, और इनके पास समर कलेक्शन भी अवेलेबल था। आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के टॉप्स मिल जाएंगी, क्रॉप टॉप्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको वुलन टॉप्स भी अवेलेबल थी। गाइज इन सभी की प्राइस रेंज अलग अलग थी, पर जो स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 150 रुपीज़, और इनके बाहर इन्होंने यहाँ पे 100 रुपीज़ का भी स्टॉल लगा रखा था जहाँ पे आपको क्रॉप टॉप्स मिल रही थी। गाइज इनके क्रॉप टॉप्स का कलेक्शन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा समरी वाइब्स दे रहे थे ये। और इनमें से कुछ टॉप्स ऐसे भी हैं गाइज जो आप इजीली विंटर्स में भी वेयर कर सकती हैं, और इन सभी के साथ साथ आपको यहाँ पे डेनिम के जैकेट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। और इसके साथ में गाइज आपको ये स्टॉल मिलेगा जहाँ पे 50 रुपीज़ में आपको स्वेटर्स और वूलन टॉप्स मिल जाएंगे। गाइज इन स्टॉल्स में क्या होता है, आपको बस देखना होता है, कभी कभी आपको काफ़ी अच्छा स्टफ़ मिल जाता है, पर इन स्टॉल में गाइज आपको साइजेस वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, पर इनके पास स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं जो कि ईजिली सभी को आ जाते हैं। और इसके आगे चलेंगे गाइज तो हमें ये शॉप मिलेगी जहाँ पे आपको वूलन टॉप्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पे इनकी शॉप में भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था जहाँ पे आपको 200 रुपीज़ में वूलन टॉप्स मिल रही थी, और इसके बाहर इन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा था जहाँ पे 100 रुपीज़ में आपको वूलन टॉप्स और स्वेटर्स वगैरह का कलेक्शन मिल जाएगा। गाइज इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, प्लस इनकी जो क्वालिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, 100 रुपीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे थे। और बीच में अगर आप ढूंढोगे तो आपको नॉर्मली समर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी आपको टॉप्स मिल जाएंगी जो आप समर्स में वियर कर सकते हो और विंटर्स में भी वियर कर सकते हो। गाइज यहाँ पे आपको फर टाइप के जो स्वेटर्स होते हैं या फिर जो श्रग्स टाइप में होते हैं उनका भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा 100 रुपीज़ में। गाइज मुझे इनकी क्वालिटी और कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो नेक्स्ट स्टॉल में हमें मिलेगा ये स्कर्ट्स का कलेक्शन, और इनका प्राइस था 200 रुपीज़। गाइज अब आपको ये पूरे मार्केट में स्कर्ट्स 200 रुपीज़ में ही मिलेंगी, लास्ट मंथ हमें ये 250 रुपीज़ में मिल रही थी, पर कहीं कहीं स्टॉल में हमें 200 रुपीज़ में मिल रही थी, और इस मंथ में आपको ये स्कर्ट्स जो हैं ये सिर्फ 200 रुपीज़ में मिलेंगी। और गाइज 200 रुपीज़ में इनकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इनका जो फ्लेयर है वो भी काफ़ी अच्छा खासा था, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक प्रोवाइड कर रही थी। पर्सनली मुझे ये ग्रीन और वाइट वाले स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आप इसको किसी भी वाइट क्रॉप टॉप के साथ, शर्ट के साथ, या फिर किसी वाइट कलर के ब्लाउज के साथ पेयर कर सकते हो। और इससे नेक्स्ट वाले शॉप में गाइज आपको यहाँ पे कोट्स का, जीन्स का और वुलन टॉप्स का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और फिर हम आते हैं इस स्टॉल पे जहाँ पे आपको 50 रुपीज़ के सेल में वुलन स्टफ़ मिल रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ कुछ टॉप्स ऐसे भी मिल जाएंगी गाइज जो आप समर्स में पहन सकते हो। और गाइज ये जो स्टॉल है ये बिल्कुल साथ में है मोडनी शोरूम के। एंड गाइज आपको इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा श्रग्स का, वुलन टॉप्स का और स्वेटर्स का। एंड गाइज अगर क्वालिटी की बात करें तो इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड नेक्स्ट टू दिस गाइज आपको ये स्टॉल मिलेगा जहाँ आपको 200 रुपीज़ में वुलन स्टफ़ मिल जाएगा।
सी दिस पोंचो गाइस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। बेसिकली इस वाले स्टॉल में आपको श्रक्स वगैरह का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड इन स्टॉल्स पे गाइस आपको कोई भी कलर या फिर साइजेस के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरली जो ये स्टॉल्स होते हैं वो अलग अलग साइजेस नहीं रखते हैं। और इस वाले स्टॉल पे गाइस आपको लॉन्ग कोट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें इनकी क्वालिटी की, तो मुझे इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और 200 रुपीज़ में गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन भी मिल रहा है यहाँ पे। एंड गाइज, इस बार भी आपको मार्केट में प्लाजो पैंट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड ये शॉप इंसान शोरूम के बिल्कुल सामने है, एंड कभी कभी सारी शॉप्स के नंबर जानना पॉसिबल नहीं हो पाता है गाइज, इसलिए मैं आपको उन सभी के प्रॉपर लैंडमार्क्स बता देती हूँ, ताकि आपको वो शॉप या फिर स्टॉल ढूंढने में ईजी रहे। नेक्स्ट गाइज, ये स्टॉल है इंसेंस के बिल्कुल साथ में, और यहाँ आपको विंटर्स और समर्स दोनों के लिए ही स्टफ़ मिल जाएगा। यहाँ आपको समर्स के लिए टॉप्स, ड्रेसेस और शर्ट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा, और विंटर्स के लिए भी आपको यहाँ पे जैकेट्स और वुलन टॉप्स का कलेक्शन मिल जाएगा। गाइज, यहाँ पे प्राइस रेंज सभी के अलग अलग थे, पर जो इनकी स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 150 रुपीज़। यहाँ पर आपको वेलवेट मटेरियल का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा, और जो इनकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। एंड देन इस स्टॉल के बिल्कुल अपोजिट में आपको एक शॉप मिलेगी फेमिनिक, जिसके बाहर आपको स्टॉल में 100 रुपीज़ की सेल में काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा वुलन टॉप्स का। एंड गाइज, बिलीव मी, इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप इन्हें ज़्यादा विंटर्स में भी पहनोगे, तब भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वार्म रखेंगे, क्योंकि इनका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा मोटा था। एंड गाइज, इस स्टॉल में आपको साइजेस के तो ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, पर यहाँ आपको इसी स्टॉल में काफ़ी सारे कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड गाइज, इनका प्राइस था 100 रुपीज़, जिसके अकॉर्डिंग मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड गाइज, वुलन टॉप्स के साथ साथ आपको यहाँ पे बेल बॉटम्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड गाइज, इससे नेक्स्ट शॉप में आपको प्लेन टी शर्ट्स और प्रिंटेड टेक्स्ट टी शर्ट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, एंड इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 100 रुपीज़। एंड देन हम एंटर करते हैं ग्रेफिटी लेन में, जिसके बिना ये वीडियो बिल्कुल ही अधूरी है। सो गाइज, आपको इस बार एक ग्रेफिटी लेन में लॉन्ग कोट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड अगेन, इन सभी का प्राइस काफ़ी अलग अलग था, और यहाँ आप इजीली बार्गेन भी कर सकते हो, क्योंकि पहले ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस बताते हैं, एंड देन इट डिपेंड्स ऑन योर बार्गेनिंग स्किल कि आप कितना डिस्काउंट करवाते हो। गाइज, इस बार यहाँ आपको डिफरेंट मटेरियल्स में लॉन्ग कोट्स मिल जाएंगे, एंड यहाँ भी गाइज आपको साइजेस के काफ़ी ज़्यादा कम ऑप्शंस मिलते हैं, बट इस बार मुझे ग्रेफिटी लेन के लॉन्ग कोट्स का कलेक्शन और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो इस बार आपको ग्रेफिटी लेन में लॉन्ग कोट्स का ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। जैकेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी, पर काफ़ी ज़्यादा कम वेराइटी थी उनकी। एंड गाइज, लॉन्ग कोट्स के साथ साथ एज यूजुअल वाइट टी शर्ट्स का भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड गाइज, जैसे ही हम ग्रेफिटी लेन से बाहर निकलेंगे, तो हमें ये छोटा सा स्टॉल दिखेगा, जहाँ आपको फ़ोन कवर्स को और पॉप सॉकेट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, और इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पे लोअर्स और विंटर्स के लिए कैप्स का भी कलेक्शन मिलेगा। एंड गाइज, यहाँ से बाहर निकलते ही आपको ये शॉप दिखेगी, जिनके पास आपको कुर्तीज और कुर्ती प्लाजो का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। इन कुर्ती प्लाजो का प्राइस सबका अलग अलग था, पर इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 750 रुपीज़, और यहाँ पे नीचे जो कुर्तीज थी इन सभी का प्राइस फिक्स था 350 रुपीज़, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी गाइज। एंड इनके जो कुर्ती प्लाजो सेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फेस्टिवल्स के लिए अप्रोप्रिएट थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एथनिक लुक प्रोवाइड कर रहे थे। एंड नेक्स्ट टू दिस गाइज, आपको ये शॉप मिल जाएगी, जहाँ आपको डेनिम्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। यहाँ आपको डेनिम शॉर्ट्स, डेनिम जैकेट्स, जीन्स वगैरह सभी मिल जाएंगे, एंड इन सभी का प्राइस अलग अलग था, बट इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 100 रुपीज़। एंड इस शॉप में आपको कलर और साइजेस के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, और गाइज इनकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। सो इसके बाद गाइज, आपको ये शॉप नंबर 119 के साथ वाली शॉप के बाहर ये स्टॉल दिखेगा, जहाँ आपको होम डेकोर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, और इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 50 रुपीज़। और इसके साथ ही मैं बिल्कुल आपको ये इयररिंग्स का स्टॉल दिखेगा, जहाँ आपको इयररिंग्स की काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, एंड इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 50 रुपीज़। और इनके पास ना गाइज आपको स्टड से लेकर के हैवी इयररिंग्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। इतना प्यारा कलेक्शन है ना गाइज इनके पास, कि आप खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आप कौन सा परचेज़ करो। नेक्स्ट आपको इसके अपोजिट में ये शॉप मिलेगी, जहां आपको बाहर स्टॉल में 80 रुपीज़ के सेल में वुलन टॉप्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, और इनके शॉप के अंदर भी आपको वुलन टॉप्स, श्रक्स और जैकेट्स का कलेक्शन मिलेगा।
एंड गाइज बात करें इनकी क्वालिटी की तो क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और इनके पास आपको कलर और साइजेस के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इससे नेक्स्ट शॉप में अगेन आपको कुर्तीज़ का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पर भी इनका सेल प्राइस 350 रुपीज़ ही था गाइज। और इनके यहाँ भी आपको कुर्ती प्लाजोज़ के सेट मिल जाएंगे और इन सभी का प्राइस अलग अलग था, पर इनके स्टार्टिंग रेंज थी 500 रुपीज़ और 350 रुपीज़ वाली जो कुर्ती थी गाइज आपको इनमें साइज़ वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड गाइज ये सभी क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, इनका मटेरियल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। नेक्स्ट टू दिस शॉप गाइज आपको यहाँ समर कलेक्शन मिल जाएगा और इस शॉप का नंबर था 105 और इनके पास आपको जंप सूट्स का, ड्रेसेस का और टॉप्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। पर्सनली मुझे इनका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी लगा और इन सभी के साथ साथ आपको यहाँ पे डेनिम जैकेट्स के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बात करें इनकी क्वालिटी की तो क्वालिटी वाइज भी गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और शॉप के बाहर इन्होंने 100 रुपीज़ की सेल में वुलन टॉप्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा रखा था। और इस शॉप के बिल्कुल साथ वाले शॉप में आपको यहाँ विंटर कलेक्शन मिल जाएगा और इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 200 रुपीज़, पर आप इजीली बार्गेन कर सकते हो। और इससे नेक्स्ट शॉप में गाइज आपको किड्स वेयर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा और आगे आपको फुटवेयर का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हर टाइप के फुटवेयर अवेलेबल हो जाएंगे गाइज, डेली वेयर स्लीपर से लेकर के डेली वेयर बैलीज तक, और यहाँ आपको पार्टी वेयर बैलीज और हील्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। और इन सभी के साथ साथ आपको यहाँ पे शूज़ का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा गाइज। इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 350 रुपीज़, पर आप यहाँ पे इजीली बार्गेन कर सकते हैं। थोड़ी सी आगे चलते ही गाइज आपको इस लेन के बिल्कुल बीच में ये स्टॉल मिलेगा जहाँ आपको क्लचेस वगैरह का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। यहाँ आपको डेली यूज़ के लिए भी क्लचेस मिल जाएंगे और पार्टी टाइप क्लचेस भी मिल जाएंगे गाइज। इन सभी की प्राइस रेंज अलग अलग थी। ये जो छोटे वाले क्लचेस थे इनका प्राइस था 50 रुपीज़, बड़े वाले साइज़ के जो क्लचेस थे उनकी स्टार्टिंग रेंज थी 100 रुपीज़ और कुछ जो पार्टी टाइप क्लचेस थे इनकी प्राइस रेंज थी 200 रुपीज़। इससे थोड़ी सी आगे गाइज आपको ये स्टॉल मिलेगा जहां आपको होम डेकोर और क्रॉकरी का कलेक्शन मिल जाएगा। इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस लेन में आपको एक ड्राई फ्रूट्स और पैकेज्ड फूड की शॉप मिलेगी एंड बिल्कुल उस शॉप के सामने आपको ये स्टॉल मिलेगा। यहां आपको कलेक्शन के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी गाइज। और इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 10 रुपीज़ और इनके पास गाइज आपको होम डेकोर से लेकर के किचन क्रॉकरी तक का सारा ही सामान मिल जाएगा। नाउ गाइज एट द एंड ऑफ दिस लेन आपको ये स्टॉल मिलेगा और यहाँ आपको स्लीपर्स बैली, सीक्वेंस बैली, शूज़ और जूतीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा और इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 200 रुपीज़। एंड गाइज इनके पास जो शूज़ थे उनका स्टार्टिंग रेंज थी 350 रुपीज़, बट आप यहाँ पे इजीली बार्गेन कर सकते हैं। इससे बिल्कुल नेक्स्ट स्टॉल में आपको विंटर कलेक्शन देखने को मिल जाएगा एंड बाहर इन्होंने 100 रुपीज़ के सेल में भी काफ़ी सारे वुलन टॉप्स वगैरह लगा रखे थे। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिल जाएगी गाइस। प्लस अगर बात करें इनके क्वालिटी की तो क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अगेन गाइस यहाँ पे आपको साइजेस और कलर्स के ऑप्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि इन स्टॉल्स में आपको स्टैंडर्ड साइजेस ही मिलते हैं। और इन सभी के साथ साथ गाइस आपको अंदर इनके स्टॉल में भी काफ़ी सारे वुलन टॉप्स और जैकेट्स का कलेक्शन मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने बाहर 300 रुपीज़ की सेल में भी जैकेट्स की सेल लगा रखी थी। और इस स्टॉल के बिल्कुल अपोजिट में गाइज आपको ये शॉप मिलेगी, इसके बाहर आपको ये स्टॉल मिल जाएंगे और इनके पास आपको जंप सूट्स का भी थोड़ा बहुत कलेक्शन मिल जाएगा। इनका प्राइस था 350 रुपीज़, पर अगेन आप यहाँ पे बार्गेन कर सकती हैं। इसी के साथ साथ गाइज आपको यहाँ पे लॉन्ग स्कर्ट्स का भी कलेक्शन मिल जाएगा, इनका प्राइस था 200 रुपीज़ एंड यहाँ आपको एथनिक स्टाइल और डेली वेयर दोनों के लिए ही स्कर्ट्स मिल जाएंगी। और साथ ही में आपको यहाँ पे मैक्सी ड्रेसेस और शॉर्ट ड्रेसेस का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। इससे आगे गाइज आपको ये शॉप मिल जाएगी जहाँ आपको समर कलेक्शन मिलेगा। यहाँ आपको सीक्वेंस टॉप, शर्ट्स वगैरह का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा और इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 100 रुपीज़। नेक्स्ट इसके अपोजिट में आपको ये स्टॉल मिल जाएगा जहां आपको डेनिम जैकेट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा इन जस्ट 250 रुपीज़। इनके पास आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी एंड कलर ऑप्शंस भी इनके पास काफ़ी सारे अवेलेबल थे। एंड यही सब जैकेट्स आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट वगैरह में 700 to 800 की मिलती हैं और यहाँ आपको ये सिर्फ 250 रुपीज़ में मिल रही हैं विद अ वेरी गुड क्वालिटी। एंड गाइस इस वाले स्टॉल में इनके पास साइजेस के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे।
और इससे नेक्स्ट शॉप में गाइज आपको समर का कलेक्शन मिल जाएगा, ड्रेसेस वगैरह का और वुलन टॉप्स और जैकेट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एंड गोपाल सन्स के अपोजिट में आपको ये शॉप मिलेगी जहाँ आपको जैकेट्स और हुडीज का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। और फिर हम एंटर करते हैं बिक्सी लेन में, जहाँ एंटर करते ही आपको किड्स वेयर और कैप्स वगैरह का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड देन आपको ये स्टॉल मिलेगा गाइज, ये मंदिर के बिल्कुल साइड में है और यहाँ आपको नाइट सूट और ड्रेसेस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। नाउ इट कम्स टू माई फेवरेट शॉप, और ये शॉप बिग सी के लेफ्ट साइड में है और इस बार ही आपको इनके पास कोल्हापुरी जूतीस, हील्स, बैलीज और शूज़ का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। इनके स्टार्टिंग रेंज है 300 रुपीज़, पर यहाँ आप इजीली बार्गेन कर सकते हैं। गाइज इस बार इनके पास कोल्हापुरी की काफ़ी नई और अच्छी वेराइटी थी। इसके बाद गाइज आपको ये शॉप मिल जाएगी जहाँ आपको बैग्स वगैरह का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। ये बिग सी के बिल्कुल राइट साइड में आपको मिलेगी और इनके पास पोटली बैग्स का भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा, जिनका प्राइस था सिर्फ 100 रुपीज़। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्लिंग बैग्स, हैंड बैग्स और बैकपैक का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। इसके बिल्कुल अपोजिट शॉप में आपको समर कलेक्शन मिल जाएगा, यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी टॉप्स मिल जाएंगी गाइज। वैसे इन सभी का प्राइस काफ़ी अलग अलग था, पर इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो थी 200 रुपीज़। एंड अगर इनकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी इनकी। और गाइज प्राइस वाइज भी आप यहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं इजीली। और गाइज यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत विंटर्स का भी स्टफ़ मिल जाएगा। और इससे नेक्स्ट शॉप में आपको स्कर्ट्स और प्लेन टी शर्ट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 150 रुपीज़। और इसी के बाहर आपको ये स्टॉल मिल जाएगा जहाँ आपको 300 रुपीज़ की सेल में कुर्ती प्लाजो सेट्स मिल जाएंगे। एंड गाइज क्वालिटी वाइज ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, इनमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं था पर ये काफ़ी ज़्यादा क्लासी वाइब्स दे रहे थे। और इनमें से बहुत सारी कुर्तीज़ ऐसी भी थी जिनमें गोल्डन प्रिंटेड वर्क भी था और वो काफ़ी ज़्यादा फेस्टिव वाइब्स दे रही थी। अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा ओकेज़न है तो ये आप इजीली वेयर कर सकते हैं। एंड इन 300 रुपीज़ गाइज देस कुर्ता प्लाजो सेट्स वर रियली गुड डील। इसके बाद गाइज आपको अमन हैंडलूम्स के बिल्कुल सामने ये स्टॉल मिल जाएगा जहां आपको सीक्वेंस टॉप्स, टेक्स टी शर्ट्स और स्कर्ट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिलेगा और इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 200 रुपीज़। एंड नेक्स्ट गाइज आपको ये शॉप मिल जाएगी जहां आपको विंटर कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। यहां आपको वुलन टॉप्स, श्रग्स और डेनिम जैकेट्स की काफ़ी अच्छी वेरायटी मिल जाएगी और यहां इनकी स्टार्टिंग प्राइस रेंज थी 200 रुपीज़। उनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इसी शॉप के बाहर गाइज आपको ये स्टॉल मिल जाएगा जहां आपको 100 रुपीज़ की सेल में डेनिम की शर्ट्स वगैरह यहां पे मिल जाएंगी। गाइज अगेन यहां पे आपको साइजेस वगैरह के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, पर हां इस स्टॉल पे आपको कलर्स के थोड़े बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड गाइज अगर मैं बात करूं इसकी क्वालिटी की तो इन 100 रुपीज़ में ये भी नहीं कह सकती कि इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और ये भी नहीं कह सकती कि इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। और गाइज इस वाले स्टॉल पर आपको शर्ट्स के भी काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स मिल जाएंगे। एंड गाइज जैसे ही हम बिक्सी वाली लेन के बिल्कुल एंड में पहुंचेंगे तो हमें ये शॉप मिलेगी जहां हमें भर भर के वैरायटी मिल जाएगी समर्स और विंटर्स दोनों के लिए ही। यहां आपको मैक्सी ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, टॉप्स वगैरह की काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी और इसी के साथ साथ आपको यहां पे विंटर्स के लिए वुलन टॉप, श्रग्स और जैकेट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड गाइज अगर मैं बात करूँ इनकी क्वालिटी की तो क्वालिटी वाइज ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 150 रुपीज़, पर आप यहाँ पर ईजिली बार्गेन कर सकते हैं अगर आप एक से ज़्यादा स्टफ़ परचेज करते हैं तो। और गाइज फिर आपको ये स्टॉल मिल जाएगा और ये आपको पहुजा फैशंस की शॉप के बिल्कुल सामने मिलेगा और इस स्टॉल पे आपको 100 रुपीज़ की सेल में वुलन टॉप, श्रग्स और स्वेटर्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड गाइज क्वालिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, अगेन आपको यहाँ पे कलर्स और साइजेस के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। एंड देन आपको स्टेलेटोस के बिल्कुल सामने ये स्टॉल मिल जाएगा और यहाँ आपको 150 रुपीज़ में श्रग्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा और यहाँ आपको कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड गाइज इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे प्लेन टी शर्ट्स और ड्रेसेस का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड गाइज बात करें इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और इस स्टॉल के बिल्कुल अंदर में भी गाइज आपको इस शॉप में लॉन्ग कोट्स की और जैकेट्स की काफ़ी अच्छी वेरायटी मिल जाएगी और इनकी स्टार्टिंग रेंज थी 250 रुपीज़। एंड गाइज इस शॉप से थोड़ी सी आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे टी शर्ट्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। जो प्लेन स्ट्रिप्स वाली टी शर्ट्स होती हैं गाइज वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इनका प्राइस था 100 रुपीज़। एंड इन स्ट्रिप्स वाले टी शर्ट्स में गाइज आपको साइजेस तो अवेलेबल नहीं होंगे, पर यहाँ पे आपको कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाएंगे।
एंड गाइज इसके साथ में आपको ये स्टॉल मिल जाएगा जहाँ आपको क्लचेस का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको पार्टी वेयर क्लचेस की भी काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। और यहाँ पे जो प्राइस रेंज थी वो स्टार्ट हो रही थी 50 रुपीज़ से और इन पार्टी वेयर क्लचेस की प्राइस रेंज थी 200 रुपीज़। सो गाइज नेक्स्ट आपको ये स्टॉल मिलेगा जहाँ आपको कुर्ती टाइप टॉप्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा एंड इन सभी का प्राइस था 200 रुपीज़। अगेन गाइज यहाँ पे आपको साइजेस के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे पर हाँ यहाँ पे आपको कलर्स के ऑप्शंस और पैटर्न्स काफ़ी अलग अलग मिल जाएंगे। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी अलग अलग वेरायटी मिल जाएगी कुर्ती टॉप्स की और गाइज यहाँ पे आपको हुडीज वगैरह का भी कलेक्शन मिल जाएगा। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।